स्टार्ट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अच्छे, आप कैसे हो? मॉर्निंग मैम। एकदम ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, तो चलो आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं हमारे लेसन नंबर 7 का, जो है खाना खजाना। खाना खजाना एक चित्र पाठ है, तो आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है उसका वर्णन करना है। तो चलो आज हम चलते हैं रसोई घर में। रसोई घर में कौन कौन सी वस्तुएं है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर क्या रखा है, ये सब हमें देखना है। तो आज चलो कौन बताएगा सबसे पहले कि इस रसोई शो में, जिस घर में क्या क्या दिखाई दे रहा है? हेलो बॉय। हाँ, इस रसोई घर में क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस रसोई घर में बहुत सारे बर्तन दिखाई दे रहे हैं। बेटा आपकी आवाज कट रही है, ठीक से नहीं आ रही है। इस रसोई घर में बर्तन दिखाई दे रहे हैं। ओके ओके बेटा, पहले एक बार मैं बता दूं कि इस रसोई घर में क्या क्या है, बाद में आप सब बोलना। ओके, तो इस रसोई घर का, यह एक रसोई घर का चित्र है, और इस रसोई घर के चित्र में माता जो है वह खाना पका रही है। वह गैस के चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। दिखाई दे रहा है आप सबको? यहाँ पर तवा है और यहाँ पर कुकर है, और माता जो है वो तवे पर रोटियां पका रही है, और वो माता रोटी बेल रही है, यानी कि रोटली वणी रही है पाटली पर। पास में पानी का मटका है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, पानी का मटका, और कढ़ाई में आटा पड़ा है, यानी कि यहाँ पर जो कढ़ाई दिखाई दे रही है उसमें गुना हुआ आटा पड़ा है, जिनसे माँ रोटी बना रही है। बेटा किसका माइक अनम्यूट है? हेलो बॉयज, सबके माइक म्यूट हो जाए। थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है, जो यहाँ पर जो एक थाली दिखाई दे रही है उसमें सेकी हुई रोटियां पड़ी है। नजदीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है, वो तो सबको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक लड़का बैठा है जो बैठे बैठे खाना खा रहा है, और उसके आगे एक थाली है, थाली में उसका खाना पड़ा हुआ है। बाजू में एक टोकरी है, इस बाजू में एक गिलास है, तो यहाँ पर लड़का खाना खा रहा है। इसके पीछे दादी माँ बैठी हुई है, सबको दिखाई दे रही है ना? Yes, ma'am. दादी माँ के हाथ में एक किताब है, और ये किताब में शायद कुछ पढ़ रही है। इसके पीछे देखा जाए तो एक टोकरी दिखाई दे रही है यहाँ पर, जिसमें कुछ सब्जियां पड़ी हुई हैं, और दूसरे खाने में डिब्बे हैं,
जो यहाँ पर डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी अलमारी में डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं, जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। थाली, कप, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर है। और रसोई की एक रसोई घर में एक खिड़की है जो दादी माँ के पीछे दिखाई दे रही है, और उस खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना आप सबको भी? यस मैम। ओके, चलो तो अब आप सबको मुझे बताना है कि इस रसोई घर में क्या क्या है। ओके, तो चलो मैं जिसका नाम लू ना वही मुझे बताए। ओके, आरिफ, आरिफ ढोलिया। ढोलिया आरिफ कौन है बेटा? हेलो, प्रेजेंट है या लेफ्ट? मैं और डोलिया हूँ मैम। हाँ ओके, चलो बताओ इस रसोई घर में क्या क्या है और क्या क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। हेलो मैम। हाँ बेटा, हेलो। इस रसोई घर में टोकरी में सब्जी पड़ी है, कुछ फल भी सब्जी पड़ी है। वो भी है। फिर खिड़की के बाहर बादल दिखाई दे रहे हैं। फिर चूल्हे पर कुकर तवा है। फिर बर्तन है। और क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा? दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। और लड़का और उसकी माँ क्या कर रहे हैं? माँ खाना पका रही है और लड़का खाना खा रहा है। उसके आजू बाजू में क्या पड़ा हुआ है? नीचे चटाई है। लड़का चटाई पर बैठा हुआ है। वहां पर चमचे है। फिर बोतले है। फिर डिब्बे है। केतली है, गिलास, गिलास है। वहां पर अलमारी में डिब्बे पड़े हुए हैं जिसमें अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। तब है ना, डिब्बे पड़े हुए, अचार, दाल और मिर्च पड़ी हुई है। माता के आगे मटका भी पड़ा हुआ है। माता के आगे मटका पड़ा हुआ। ओके, वेरी गुड। चलो नकवी अली रजा। यस मैम। ओके, चलो बताओ बेटा इस रसोई घर में क्या क्या है और क्या क्या हो रहा है। रसोई घर में बेटा जो है वो खाना खा रहा है। उसकी थाली में खाना है। उसकी माँ रोटी बेल रही है। चूल्हे पर कुकर है। कुकर में 3 स्विच है।
सबसे आगे एक मटका है। दादी माँ पुस्तक वाच रही है। पढ़ रही के बाहर बादल दिख रहा है। फिर माँ के पीछे एक बक्सा है। बक्से के ऊपर दो खाने हैं। दो खाने में पहले खाने में तीन डब्बियां हैं और दूसरे खाने में सब बर्तन है। फिर चूल्हे के ऊपर भी एक खाना है। उसमें है, उसमें पहले खाने में है सारे उसमें सारे उसमें सारी पतीलियां हैं। फिर दूसरे खाने में प्लेट है और कितली है। फिर लास्ट खाने में खजूर, बादाम और ड्राई फ्रूट्स है। फिर लड़के के खाने के पास ग्लास है। लड़का चटाई पर बैठा है। इसकी दादी दादी माँ चटाई पर बैठी है। ओके चलो दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। वेरी गुड। रागी हसन। यस मैम। चलो बताओ इस रसोई घर में क्या क्या हो रहा है। मैं नकवी अली रजा की आईडी में मैं ही हूँ। ऐसा है। ओके तो रेहान हेलो हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। चलो बताओ इस रसोई घर में क्या क्या हो रहा है। माय नेम इज परिया मोहम्मद शफीक। ओके हाँ शफीक तो चलो तुम बताओ बेटा। मम्मा पढ़ा हुआ है फिर सारा बर्तन ऊपर बहुत सारे फिर नीचे चार डिब्बे उसमें अचार वो सब है। फिर दादी माँ पुस्तक पढ़ रही ऊपर एक खिड़की के पीछे बादल दिखाई दे रहे हैं। खाना खा रहा है उसके बाद एक ग्लास पड़ा हुआ है। चटाई पर बैठे है तो मम्मी रोटी बना रही है। उसके आगे पड़ा हुआ है रोटी जो सेकती है थाली में फिर कुकर है सब में तीन बटन है फिर बड़ा डिब्बा है फिर कटोरी में जो फ्रूट है वो सब चमचा। वेरी गुड पता चल गया कि रसोई घर में क्या क्या वस्तुएं हैं और क्या क्या हो सकता है। तो आपके रसोई घर में क्या क्या वस्तुएं हैं आप याद करके कह सकते हैं। हेलो हेलो शफीक। यस मैम। आपके रसोई घर में क्या क्या वस्तुएं हैं। रसोई घर में फ्रिज है फिर एक्वागार्ड है फिर गैस का चूल्हा है फिर और
आपके रसोई घर में कौन कौन सी वस्तुएं हैं? सब बहुत सारे बर्तन है, बहुत सारे बर्तन है, पानी के मटके है, हो गए ना? यस यस, मिक्सर ग्राइंडर है, यस यस। तो ओके चलो, तो अब आप और कौन बता सकता है कि आपके रसोई घर में क्या क्या वस्तुएं हैं? हेलो हेलो बॉयज, यस मैम, आपके रसोई घर में बेटा क्या क्या वस्तुएं हैं? मेरे रसोई घर में एक फ्रिज है, उसके उस फिर बहुत सारे बर्तन है, गैस का चूल्हा है, फिर पानी का मटका है, फिर अचार के डिब्बे है, फिर तेल के डिब्बे है, मिर्च मसाले के डिब्बे है, मिर्च मसाले के डिब्बे है, यस, फिर कुकर है, कुकर है, बर्नी है, जार है, यस मैम, पतीली है, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? तपेली को पतीली, पतीली, यस, बहुत सारी पतीलियां भी है, और एक नाश्ते का डिब्बा भी होता है ना सबके घर में? कितने डिब्बे है आपके घर में नाश्ते के? हाँ, जिनके बारे में तो सबको पता होता है नाश्ता मम्मी ने कहाँ पर रखा है ना? Yes, ma'am. Okay. चलो, तो अब हम इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। चलो, आप रीड करोगे बेटा? Yes, ma'am. Okay. प्रश्न एक, चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, माता रसोई घर में क्या कर रही है? माता रसोई घर में रसोई बना रही है। दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है। प्रश्न तीन, लड़का क्या कर रहा है? उत्तर, लड़का खाना खा रहा है। नंबर फोर, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? रसोई घर में मटका, थालिया, डिब्बे, चम्मच, चम्मच, डलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन है। नंबर पांच, टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि सब्जियां और अंगूर, सेब आदि फल है। नंबर पांच, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहे हैं। नंबर सात, अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले है। नंबर आठ, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? हमारे रसोई घर में स्टेंटिंग है, किचन का प्लेट काम, पानी का नल, छलनी और एक वागाड़ है जो इस रसोई घर में नहीं है।
माता कहाँ बैठी है? माता किसके चूल्हे के पास बैठी है? ओके चलो, अभी सेम सी क्यूज को कौन रीड करेंगे? अरमान गोरी। गोरी अरमान, तुमने तो बेटा रीड किया ना अभी। यस हाँ। दूसरी आगे बस लिखा। हाँ। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों से सही रसोई घर में रखी है। पिता माता भाई दादी माता है बर्तन सब्जी ना फल खाना साधन चूल्हे डिब्बे बर्तन पानी का मटका देश के पास है अलमारी खिड़की चूल्हे देश में सब्जियां और फल है। नंबर ए बाली टोकरी अलमारी डिब्बे रसोई घर में देश का चूल्हा है मिट्टी लोहे गैस गैस का चूल्हा इलेक्ट्रिक गैस विधान के सामने और के सामने रंग और चिहन कीजिए पूरी सेक कर बनाई जाती है राइट राइट नहीं बेटा रोंग आएगा पूरी सेक कर थोड़ी बनाई जाती है तल कर बनाई जाती है रोंग ओके ओके रोटी तलकर बनाई जाती है को तलकर बनाए जाते हैं राइट चाय सेक कर बनाई जाती है दाल उबाल कर बनाई जाती है राइट यस कोष्ठक से बर्तन के अधिक हिंदी नाम नाम के आगे लिखिए तपेली पतीली कढ़ाई तो कढ़ाई चिपियो चिमटा सांझी सड़सी आली चोका करछी चोका बरनी चाय बरनी तो चार नंबर सेवन कड़छो तो कलछुल कलछुल बेलन तो बेलन बेलन बेल मसाला दान भातियू करछी नानो तवेथो पौनी रोटी नो डब्बो रोटी दाल वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर सेवन खाना पचाना जो है उसका रिविजन हमने कंप्लीट कर लिया। ओके तो आप सबको और जो लेसन है उसका रिविजन भी अच्छी तरह से कर लेना है। ओके बेटा और ये आज आप सबका होमवर्क
बाय बेटा, बाय बाय।